Sync check. So welcome ladies and gentlemen, hope that you guys are doing fantastic. As you can see on the screen, ये जो project है ये अंकित ने produce किया है और अंकित अभी थोड़ा सा time हुआ है जो वो music production कर रहा है, तो उसके कुछ सवाल थे, तो I thought एक impromptu style में इसको multi-angle से capture करते हैं और उसका जो जो सवाल आता है, मेरे ख्याल से जो नया म्यूजिक प्रोड्यूस करना शुरू करता है तो वो लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे. तो मैंने बोला कि यू जस्ट आस्क एवरीथिंग ऑन द कैमरा एंड वी रिकॉर्ड एंड स्क्रीन कैप्चर एवरीथिंग और विल पोस्ट इट ऑन यूट्यूब एंड होप दिस विल हेल्प मोर पीपल. सो अंकित वेलकम टू द चैनल. और आजकल यूट्यूब के मैक्सिमम वीडियो अंकित ही एडिट कर रहा है, सो अ न्यू स्किल. हां, प्रोड्यूसर से वीडियो एडिटर में आ गया. ओके, सो लेट्स प्ले और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे. तो ही डिड पुट इन सम रिवर्ब एंड ऑल. खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा. मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए. कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता. कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता. तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए. So, ये था अंकित का प्रोड्यूस्ड एंड उसका मिक्स्ड वर्जन. एंड लेट्स टॉक अबाउट जो एकदम तुरंत तुरंत विजिबल होता है प्रॉब्लम्स. पहला, जैसे ये प्ले हुआ था यहाँ पे एक मेरे को किटिक की आवाज सुनाई दी थी, सो विच एक्चुअली केम फ्रॉम दिस. ओके, और एंड That's fair it in. जब आप शुरू करते हो तो थोड़ा सा ओवरवेलम हो जाते हो चीज़ों में और छोटी छोटी डिटेल्स नज़रअंदाज हो जाती हैं. एंड दैट इज़ वाई मोस्टली आप लोग बहुत सारी ऐसी छोटा छोटा प्रॉब्लम्स एक्यूमुलेट होकर के वो फाइनली बहुत बड़ा बन जाता है और देन यू स्ट्रगल. सुनाई भी नहीं दिया था कि ऐसा कुछ हुआ है. या सुनाई नहीं देती है. सो दैट्स इट. पहला प्रॉब्लम टैकल कर लिया हमने. अगला जो सबसे मेजर इशू है, अंकित बोल रहा है कि यार क्या मैं ऐसा कर दूं कि ये मिक्सिंग में बहुत धांसू हो जाए और वैसा हो जाए. सो आई सेड कि एक्चुअली मैं तुम्हारा वोकल ही एक्सप्रेशन लेस है थोड़ा सा. म्यूजिक ठीक है, मतलब ये इट्स अ डिसेंट प्रोडक्शन, मतलब ऐसा उसमें कोई बहुत वो नहीं है. आगे हम थोड़ा सा और बारीकी में वो करेंगे, बट पहला ये है कि अगर आपको ना बहुत अच्छा एक्सप्रेसिव ट्रैक चाहिए तो वो खाली मिक्सिंग से नहीं होने वाला. आपको वो जो बात है कि वो जो एक्सप्रेशन है, मान लो कि ये कहते हैं खुदा ने, अब किसी लड़की की आप तारीफ कर रहे हो, है ना. मुझे नहीं पता कि अंकित किसी के प्यार में पड़ा कि नहीं पड़ा है, बट व्हाट हैपेंस कि यू हैव टू सिंग इट लाइक यू मीन इट. मतलब तुम्हारा गाना है, तुम कहना चाह रहे हो उससे ये बात. जब तक वो बात नहीं आएगा कि यार तुमको नहीं लगता है कि तुम ये बात कहोगे और सामने वाला कन्विंस हो जाएगा, तब तक वो बात नहीं आएगा. यू गेट दिस थिंग ना. तो इस चीज़ का सुर से ताल से और उन सब चीज़ों के भी परे वो है कि यार वो जो आप अंदर ही फील कर रहे हो ना वो बात, वो जज्बा. तो जो नया शुरू करते हैं तो वो बाकी का टेक्निकल चीज़ों में उलझ के रह जाता, तो वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाते. दूसरा, स्ट्रेट अवे ये सुन के लगता है कि बहुत ज़्यादा रिवर्ब है इसमें, टू मच ऑफ इट. तो अंकित ने एक सेंड पे स्पेस डी लगाया है और उसको स्प्रेड भी कर दिया. आई डोंट नो, खतरनाक प्रोडक्शन टेक्निक लग रहा है. इट डिडंट वर्क ऑन पेपर. ऑन पेपर ये बहुत ही भयंकर टेक्निक है, इट डिडंट वर्क. एनीवेज, स्टेरियो डिले लगाया इसने. तो अगर हम ये रिवर्ब और डिले को बंद ही कर देते हैं तब ये थोड़ा देखो कि तब भी ठीक ही साउंड कर रहा है. कहते खुदा ने ओके पैर मतलब रिवर्ब की चाशनी में एकदम डुबो के निकाल. रिवर्ब का वजह से वो कैसा फूला फूला और अजीब सा साउंड करने लग गया है.
कहते खुदा ने इस जहां में सब थोड़ा ऐसा नकली टाइप का, उससे बेहतर तो बिना रिवर्ब के लग रहा है। कहते खुदा ने इस जहां में सभी के लिए। राइट, सो क्या होता है कि कई बार आप लोग ये भी कर लेते हो कि खाली रिवर्ब का बात नहीं, इंसर्ट्स में भी जो आप प्लगइन्स लगाते हो, आप हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी महंगा प्लगइन खरीद ले आए लाए और वो कि आपने क्या अरे वो बड़ा प्रोड्यूसर ने ये चीज़ डाला है वो किया है, पर आप एक्चुअली सुन के नहीं लगा रहे हो, आपको लग रहा है कि वो प्लगइन लगाने के बाद में आपका वो अच्छा हो गया। तो इसका सबसे सरल तरीका, आप कुछ भी चीज़ लगाते हो उसको थोड़ा देर सुनो और उसके बाद में उसको बाईपास कर दो, बाईपास करके सुनो, फिर आपको ओ ये बिना मतलब इससे मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ और ख़राब हो गया, तो यू विल गेट दैट आइडिया। इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक, एंड डिजिटल डोमेन में म्यूजिक प्रोड्यूस करने का और मिक्सिंग करने का या जो भी करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यू गेट दिस अनलिमिटेड मतलब रीडू अंडू वाला ऑप्शन है ना, जबकि अगर आप एनालॉग गियर से ये सारा चीज़ ट्वीक करके रिकॉर्ड करके लेके आते तो अगर आपने ओवर कंप्रेस करके रिकॉर्ड कर लिया एंड इट इज़ लाइक क्रश्ड तो ख़त्म है वो, कुछ नहीं कर सकते उसको वापस। या अगर आप रिवर्ब और वो बासेस के थ्रू सेंड करते हो और उसको ही, जाहिर सी बात है जब एनालॉग रिकॉर्डिंग होता है तो एनालॉग रिवर्ब का और उन सब चीज़ों का गियर होता है जिससे वो फिर वापस आता है एंड यू प्रिंट दैट थिंग, अगर वो ज़्यादा है कम है तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट यू कैन डू थिंग्स इन हियर। तो बाईपास करो, ज़्यादा हो गया कम हो गया, अगर हम ऐसा करें कि इसका खाली रिवर्ब को थोड़ा सा पीछे ले आए, कहते खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, इट स्टार्ट साउंडिंग गुड। मैं ये स्पेस वाला प्लगइन जो एक्स्ट्रा स्प्रेड बनाने के लिए है उसे हटाता हूँ, आई थिंक वो बल्कि फायदा करने की जगह पे स्पेक्ट्रम को नैरो कर दे रहा है एंड थोड़ा सा आर्टिफैक्ट इंट्रोड्यूस कर दे रहा है, उसके बिना बेहतर साउंड करेगा ये। कहते खुदा ने इस जहां में सभी के लिए, स्पेस डी है ये लॉजिक का इनबिल्ट प्लगइन है। दो चीजों के लिए हम लोग थर्ड पार्टी प्लगइन इस्तेमाल करते हैं, पहला बात कि फिर आप ना डॉ डिपेंडेंट नहीं हो, सकता है कि आज आप अपने स्टूडियो में लॉजिक पे काम कर रहे हो या आप एबल्टन पे हो या आप क्यूबेस पे हो, व्हाटसोएवर आपका जो भी डॉ है, और आप हो सकता है कि किसी बड़े स्टूडियो में गए जहां पे ट्रैकिंग सेशन आपने वहां पे किया है, आप कह रहे हो वहां का रेफरेंसिंग बहुत अच्छा है, आप वहां पे मिक्स करना चाहते हो अपना प्रोजेक्ट, वहां पे प्रो टूल्स चल रहा है या कोई और दूसरा डॉ चल रहा है। अब आपके साथ में मसला ये कि पहला तो बात ये है कि मसल मेमोरी ऑफ एक नया डॉ है, और उससे भी फिर आपको एक अलग परेशानी हो रही है कि सारे प्लगइन्स बिल्कुल ही मतलब दूसरे डॉ के जो इनबिल्ट प्लगइन्स है वो बिल्कुल ही अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर, यहाँ पे आप जो वैल्यू रखते थे उसके हिसाब से मतलब स्पेस डी में आप जो वैल्यू रखोगे अगर उसमें कोई दूसरा कन्वोल्यूशन रिवर्ब होगा तो एग्जैक्टली सेम नहीं काम करेगा एंड फिर यू विल बी लाइक स्टक देयर, बोला क्या करेगा। मे बी कई बार क्या होता है कि आप अगर वहां पे हो कोई दूसरा इंजीनियर नहीं है और आप ही को वो करके निकालना है, या अगर है भी तो उसका काम आपको उतना समझ में नहीं आ रहा है, आपको पता है कि मैं कर लूंगा तो मैं जल्दी कर लूंगा ये काम, एंड देयर कैन बी सेवरल यूज केसेस फॉर दैट। दूसरा बात यह कि जब आप थर्ड पार्टी प्लगइन्स यूज करते हो, इफ यू नो एग्जैक्टली कौन सा प्लगइन आप किस टाइप का म्यूजिक प्रोड्यूस करते हो, लाइक एज इन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अभी जस्ट और आपको मेरे स्टाइल का प्रोडक्शन पसंद है तो इट्स वेरी सिंपल, इट बिकम्स वेरी सिंपल फॉर यू कि मैं जिस टाइप के प्लगइन्स इस्तेमाल करता हूँ उनको ट्राई आउट करके देखो एंड जिस टाइप की मैं सेटिंग्स करता हूँ उनको ट्राई आउट करके देखो इफ दे वर्क ऑन एंड इफ दे वर्क फॉर यू ग्रेट अमेजिंग। यूएसपी जो होती है थर्ड पार्टी प्लगइन्स की वो होती है उनका ईज ऑफ यूज में, कि उसको लगाया और उसका जो डिफॉल्ट प्रीसेट है और जो बाकी जो सारी चीज़ें उसमें है वो इस तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है, उसी में उन्होंने इतना R&D किया हुआ है कि यार इस टाइप का वोकल पे, इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट पे, इस टाइप की चीज़ पे ये कैसा इम्पैक्टफुल रहेगा, मतलब व्हाटसोएवर वो कंप्रेसर, EQ, रिवर्ब, डिले। तो अभी देखो मैं स्पेस डी को बंद करता हूँ एंड मैं यहाँ पे अपना फेवरेट रिवर्ब प्लगइन लगाता हूँ, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट प्रीसेट है, ये खोलने के बाद ही ऐसा है, आप अगर देखोगे यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको ब्लेंड करूंगा इट विल स्टार्ट साउंडिंग अमेजिंग। कहते खुदा ने इस जहां में सभी, और बहुत ज्यादा रिवर्ब लग भी नहीं रहा सुनने में। अब बात ये है कि मैं यहाँ से सेंड से कंट्रोल कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे जो मेरे जो रिवर्ब का जो बस है उसको माइनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो कहते खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बस, इट्स वेट पर सुनाई नहीं दे रहा है, दैट्स द ब्यूटी। और कुछ आपको ऐसा भी नहीं, बहुत तिलस्मी कुछ छेड़ने की भी जरूरत नहीं, जो डिफॉल्ट में जो सबसे पहला जो प्रीसेट रहता है इट वर्क्स फॉर मोस्ट ऑफ द काइंड ऑफ सॉन्ग्स दैट यू विल डू। एंड बाय द वे इफ यू वांट टू गेट ये जो प्लगइन्स है जो भी इनका अभी डिस्काउंट चल रहा है उसके ऊपर और एक्स्ट्रा 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, आई हैव पुट इन द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन टू चेक देम आउट। तो पहला आपका रिवर्ब सॉर्टेड हो गया, देन दिस इज अ ग्रेट डिले बट काफी तामझाम है, और दूसरा मसला कि अगर आप किसी और डॉ में हो तो आपके लिए कारगर नहीं होगा।
होगा. सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज पुट अ एज डिले और इसमें से ये वाली जो इसकी प्रीसेट है बेसिक स्टीरियो आई एम गोइंग टू यूज इट. एनालॉग जो इसका जो एनालॉग नॉइज होता है जो उसे हम बंद कर देंगे, उसकी हमको जरूरत नहीं है. शुंग वाली वो आवाज होती है एनालॉग वाली जो आवाज है, जरूरत नहीं है उसका. और ये जो फिल्टर है इसको थोड़ा सा नॉच कर देंगे, इससे होगा ये कि हाँ जो हायर फ्रीक्वेंसीज हैं वो घट जाएगा. कोई अभी तक कोई डाउट है मतलब? नहीं अभी तक. हाँ सो ही इज गेटिंग इट, तो आई होप दैट यू आर ऑल्सो गेटिंग. सो ये हमने लगा दिया, बस इतना ही करना है. और उसके बाद ये जो सेंड है जो इसका जो डिले वाला जो बास इसने लगाया हुआ है इसका ब्लेंड हमको सेट करना है यहाँ से. You see that this is like ping pong कर रहा है इधर. Sounds really nice. बहुत ज़्यादा कुछ technique लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्वाद अनुसार इसको मिला देंगे. कहते खुदा ने इस जहां में सभी के लिए. It sounds fantastic. It always sounds fantastic. और मज़ेदार बात यह है कि मैंने और भी दो तीन प्रोड्यूसर्स को देखा इसके अंदर ना, और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रीसेट्स है. एज डिले को लगा के उसमें रेडियो वाला प्रीसेट है और टेप वाला प्रीसेट है. अमेजिंग टाइप की चीज़ें वो कर देता है. मतलब कहने को ये बस डिले प्लगइन है बट बहुत सारी और भी चीजें करता है. काफी कंट्रोल इफेक्ट्स लग रहे हैं. या सो दैट इज व्हाट. तो थर्ड पार्टी प्लगइन्स का यूएसपी यहाँ पे है कि कितना आसान कर देता है वो आपका काम पे. ये नहीं कि बंच ऑफ प्लगइन्स ही आप ठोकने लग जाओ. तो पहला काम ये था कि उसको पिच करेक्शन करना था, उसने पिच करेक्शन कर लिया है. जी मेजर में था ये गाना. मैंने वो किया, ट्रांसपोज किया. ओके सो इसने ट्रांसपोज करके जी मेजर में बनाया. -5 से मीटर. अब इसमें जी मेजर का प्रीसेट सिलेक्ट कर लिया सब कुछ. यहाँ पे मैं बस एक ही चीज़ चाहूँगा कि हम जो इसका रिस्पांस टाइम को थोड़ा सा ऐसा टाइट करते हैं. मे बी इधर की तरफ जाके देखते हैं. ऐसा करेंगे तो बिल्कुल ही वो गढ़वाली भोजपुरी गाना या टी पेन इफेक्ट वैसा मिलेगा हमको. खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किस. सो वी आर नॉट लुकिंग फॉर दैट. ठीक है तो हम थोड़ा सा नेचुरल रखते हैं. लेट्स पुट इट लाइक 67 या से 84 के बीच में. 67.7 शुड साउंड गुड. अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं. कहते खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है. हाँ थोड़ा सा अभी भी आर्टिफैक्ट लग रहा है. डिड यू डू फ्लेक्स पिच? यू डिडंट डू. दैट्स ग्रेट. थोड़ा सा और ऊपर लेके आते हैं. कहते खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी. नाउ द थिंग दैट आई ऑलवेज डू एंड आई टेल पीपल टू डू इज जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना तभी आप ऑटो ट्यून है उसको लगा के उसके ऊपर रिकॉर्ड करो. सो दैट यू हैव अ मच बेटर कंट्रोल कि यार मैं गा रहा हूँ तो ज़्यादा खींच तो नहीं रहा है. और यू नो इस टाइप का गाना है कि जिसमें मुर्खी कम है या ज़्यादा है डिपेंडिंग ऑन दैट आप ये फास्ट और स्लो कितना करना है वो आप सिलेक्ट करोगे. कोई नोट एक्स्ट्रा लगा हुआ है उस गाने में जो भी आप स्केल कर रहे हो तो उसको भी चेंज किया हुआ है आपने एंड ऑल दो स्टफ. इन सब चीज़ों के बारे में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे इस चैनल पे. और एक मेरे musicwitharijit.com वेबसाइट पे ट्यूटोरियल्स का पूरा पेज है. मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में. वहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से है कि पिच करेक्शन अलग अलग टाइप के उसका पूरा टॉपिक है. बहुत सारे तरीके हैं पिच करेक्शन के और वो सारे वीडियोस देख के आपको ये भी पता चलेगा कि अलग अलग यूज केसेस में आप कैसे कैसे डिसीजंस लोगे. राइट अच्छा एक इशू जो मैंने फेस किया था ना इसको रिकॉर्ड करते हुए, जैसे सॉन्ग को मैंने क्या किया -5 पे ट्रांसपोज किया. अब क्या हो रहा था मेरे को हर ट्रैक को -5 ट्रांसपोज में करके फिर उसको प्ले कर रहा था. लेकिन उससे दिक्कत क्या होती है मेरे को हर ट्रैक पे इंडिविजुअली जाके -5 करना था. तो वो -5 करते करते सारे ट्रैक्स पे रिकॉर्ड किया फिर बाउंस करके निकाला. उसके बाद क्या किया फिर लूप यूज करने के लिए फिर जी मेजर पे डाला उसके बाद लूप मैंने. इसका कोई शॉर्टकट है कि मैं ट्रांसपोज तो कर दूँ, मेरे को प्ले वैसे ही करना है, मेरे को डायरेक्ट जी मेजर पे खुद नहीं जाना है. अगर सी मेजर पे गाना है तो सी मेजर ही कॉर्ड्स प्ले, लेकिन मैं सी वाला वो जो पैटर्न प्ले करूँ ना तो वो जी मेजर के स्केल पे अप्लाई हो जाए. तो उसके लिए जो मीडी कंट्रोलर होता है उसमें जनरली एक ट्रांसपोज का बटन होता है, उससे वो की बैड को ट्रांसपोज कर देता है. सो दैट फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना है. होप दिस वर्क्स. आगे बढ़ते हैं. पिच करेक्शन हो गया. थोड़ा बहुत अगर इसके बाद लगता है एक्स्ट्रा तो आप फ्लेक्स पिच भी कर सकते हो. आई थिंक द चीप एंड बेस्ट प्लगइन टू गेट अमेजिंग ऑटो ट्यूनिंग रिजल्ट्स इज ऑल्सो फ्रॉम वेव्स. एंड सो दिस इज वेव्स ट्यून रियल टाइम. ऐसा लोग बोलेंगे कि क्या भयंकर. बट यू नो इतना साल यूज़ किया इतना सारे प्लगइन्स तो मेरे को पता है कि कौन से ब्रांड में से कौन कौन सा चीज़ किस टाइप का म्यूजिक में ज़्यादा कारगर होगा. तो इसका जी लगाया एंड यू सी. तो मैं आपको इसलिए भी ये कह रहा हूँ कि मे बी यू आर नॉट इन लॉजिक तो आप फिर भी इसको तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं. आप सुनते हैं.
साउंड्स मच बेटर और ट्रांजिशन भी काफी स्मूथ हो रहा है. कुछ भी सेटिंग छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट जी पे डाला है इसको और अभी क्रोमेटिक पे है, हम इसको मेजर पे कर देते हैं. अगर हमको वो आ रहा है ना, मतलब ऑटो ट्यून का कि हाँ वो थोड़ा सा आ रहा है, हम चाहे तो ये जो रीट्यून स्पीड है उसको बढ़ा के एंड देन एज वेल ये थोड़ा इसलिए भी ज्यादा आ रहा है क्योंकि आपने रेंज में नहीं गाया. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस कि मैं डिफॉल्ट सेटिंग पे रख रहा हूँ और मैं उसी हिसाब से गा रहा हूँ तो इट वर्क्स परफेक्टली बिना कुछ छेड़े. खुदा ने सजा में सभी के लिए किसी ना किसी को है. This works fine, I guess. Format control भी है इसमें, ये एक amazing चीज़ है. बहुत सारे और भी videos हैं जिसमें हम format वगैरह की बात करते हैं कि how it changes your character and all. तो वो आप देख सकते हो. अब हम सबसे पहला काम करेंगे कि एक low cut filter लगाते हैं. बस इतना लगा के छोड़ देंगे. Then we are going to bring in a compressor. Logic का compressor, ये बहुत ही amazing काम करेगा. तो कुछ नहीं करना है, स्टूडियो VCA पे रहेंगे. 3:1 को अगर एक सिंगल कंप्रेसर लगाना है तो 4:1 पे रखते हैं और ये थ्रेशोल्ड को देखते हुए लेट्स क्रैंक इट अप. तो गेन मेरा काफी कम हो जा रहा है तो आई विल बम्प इट अप थोड़ा सा, क्योंकि वैसे भी अंकित ने थोड़ा सा लो गेन पे रिकॉर्ड किया है एंड वी कैन जस्ट बैक ऑफ द फेडर. दिस वर्क्स फाइन. अभी वो जो एसेस है वो टैकल करना है, तो आप जो लॉजिक का जो खुद का जो DSR है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो एंड इट वर्क्स फाइन फॉर द मोस्ट पार्ट. अगर आप इसको डिफॉल्ट सेटिंग में रखते हो, अगर काम कर गया तो कर गया, नहीं कर गया तो फिर सो उसका DSR. हाँ, सो व्हाट आई डिस्कवर्ड इज, सो दिस इज माय न्यू फेवरेट DSR. Okay, the vocals have been taken care of and another amazing plugin ki main isko thoda sa parallelly compress karta hu, pank it to my taste. Dam khoon nikal diya humne bilkul iska and we'll just blend it yahan se. Ab ye sunai nahi de raha hai spank jo kiya hai, jitna hum yahan se milate jayenge utna spanked signal humko milega saath mein. आप स्पेशली जब वो बढ़ा रहे थे ना तो मतलब ऐसा रियलाइज हो रहा था कि एक लेयर नीचे आके चिपक रही है, है ना, सुन के. सो ईयरफोन्स वगैरह में ये नहीं सुनाई देता, मतलब अगर YouTube पे तो कुछ मालूम ही नहीं चल रहा होगा हाँ, थोड़ा सा फटाक से मालूम होना वो हो जाता है और खासकर YouTube के कंप्रेशन के एल्गोरिदम के थ्रू. बट एनीवेज अब थोड़ा सा अगर ध्यान लगाओगे और क्या हो रहा है उस प्रोसेस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का कोशिश करोगे तो विल गेट दैट. तो दैट्स इट वोकल्स में. अगर आप इतना कर लो तो थोड़ा सा अभी भी ना हाइज थोड़ा ज़्यादा है. वो व्हाट वी कैन डू कि थोड़ा सा कोई टेप सैचुरेशन वाला प्लगइन या कुछ वैसा इस्तेमाल कर उसको थोड़ा और बेहतर हैंडल कर सकते हैं. Saturn 2. Yeah. But I know for sure कि ये बढ़िया काम करेगा. You just have to do go to old tape और इसका जो mix है उसको change करना कितना हमको चाहिए, मतलब बाकी सारा सब कुछ वहीं रहना है. किसी को है बनाया हर किसी के लिए, तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो मुझको बना.
से वो डिजिटल वाला जो वो चीज़ है सब कुछ गायब हो गया। एंड सी अभी तक हमने एक भी मतलब एक्चुअली ईक्यू के नाम पे हमने कुछ भी ईक्यू नहीं किया इसमें, जस्ट बिल्ड अप द कैरेक्टर लाइक दैट। इसके बाद में मान लो कि हमको कुछ भी थोड़ा ऐसा वो करना होता है, सिबिलेंस अभी भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, हाँ थोड़ा आ रहा है, वो ऐसे टैकल हो जाएगा कि अगर दिस इज नाउ वन ऑफ माय फेवरेट ईक्यूज, वेव्स के अंदर भी एपीआई वाला मॉड्यूल है दैट यू कुड बी यूजिंग, और ऐसे बहुत सारे और भी होंगे, बट ये इनसाइड द लॉजिक है। खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे राब। Did you turn on flex पहले? नहीं नहीं flex मैंने डाले ही नहीं था। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ। यहां पे ये किटिक की आवाज कैसे आई? कई बार आप ऐसा कर जाते हो कि रिकॉर्डिंग के टाइम में जैसे ही किसी के लिए कुछ। नाउ अगर आपने ऐसा कुछ कर लिया है तो फिर भगवान ही मालिक है आपका। बट देयर आर डीक्लिकिंग प्लगइन्स एज वेल जो आप यूज़ कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप इस टाइप की चीज़ करो। एनीवेज एक तो ये तरीका रहा कि ऐसा करके हमने किया, एंड यू सी कि यार ये तो ओवर कॉम्प्लिकेटेड रहा, इतना सारा तामझाम लगा दिया है हमने इसके ऊपर में। नादर थिंग इज ये सब हटाते, सब बोले तो सब, ऑटो ट्यून रखा है हमने, रिवर्ब और डिले रखा है हमने, लेट्स स्टार्ट ईक्यूइंग इट अभी स्वाद अनुसार। जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता। दिस वुड बी अनदर अप्रोच कि आप बाकी वो सारी चीजें करने से पहले अब यहाँ से कर लो और फिर उनको थोड़ा स्वाद अनुसार लगाओगे ना। जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है। एंड देन हम दूसरा EQ लगाते हैं, इसके पीछे और एक रीजन ये है कि यहाँ से हम सैचुरेट कर देंगे इसको, स्पैंक द सैचुरेशन। जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता। See, very subtle difference, but there is one. कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे। ये काफी पावरफुल है ना? बहुत। हम और एक कंप्रेसर यूज करते हैं यहाँ पे, हम ऐसा करते हैं इसको रख देते हैं 3:1 पे। कुछ तो है तुझसे, इसको थोड़ा सा और खींच लेते हैं, यू नो हैव मच मोर। कुछ तो है तुझसे राबता, देन इस पे 5:1 लगाते हैं। कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है जी। यहाँ पे ये जो डिस्टॉर्शन मॉड्यूल है, सैचुरेशन मॉड्यूल, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो टू क्रिएट सम हार्मोनिक डिस्टॉर्शंस इन बिटवीन, और काफी अच्छा साउंड करता है कई बार ये। कुछ तो है तुझसे डिफरेंस, थोड़ा सा गेन में भी डिफरेंस है। देयर इज दिस डिफरेंस इन, अगर आप स्पेक्ट्रम खोल लोगे कोई तो थोड़े लग रहा है, इसको देख लो क्या आ रहा है। कुछ तो है तुझसे राब, ये फ्रीक्वेंसीज हैं इसके बीच में। कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है। And then सिर्फ ईक्यू और कंप्रेस करके काफी बाहर निकाला जा सकता है। बिल्कुल, आवाज को एकदम तुम बहुत ही सही मुकाम पे पहुंचा सकता है। लेवल्स ऑफ ईक्यू कंप्रेशन, ईक्यू कंप्रेशन चल रहा है यहाँ पे। एंड या
एंड वी कैन कम्प्लीटली डिच ये जो वेव्स का जो प्लग इन है. एंड देखो पहला वाले को मैं स्पेस डी को डिच कर रहा हूँ, दोबारा से लगा रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी ऑन यू नो कम्प्लीटली रीसेट वैल्यूज पे. दूसरा जो चीज़ आपको हमेशा करना चाहिए था कि आप अगर सोलो वोकल्स ऐसे डाल रहे हो तो एक मोनो बास बन रहा है तो पहले कोई भी प्लग इन लगाने से पहले ऐसे स्टेरियो कर लो. दैट्स अ प्रो टिप अगेन. देन पुट इन द स्पेस डिजाइनर जिसके लिए आपको वो मोनो लग रहा था, फिर आपने बोला कि यार वाइडनर वाला कोई प्लग इन लगा देता है तो आपने मोनो कर ही दिया है बस को, तो जाहिर सी बात है मोनो प्लग इन लगेगा तो फिर वो मोनो ही साउंड करेगा. राइट, लेट्स ओपन अप द वेट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको बंद करते हैं. कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता. इसी कितना पावरफुल साउंड करता है. इसकी जगह पे स्टेरियो डिले, पर मैं दोबारा से लगाऊंगा सो दैट आई गेट रीसेटेड वैल्यूज यहाँ पे भी. लेकिन वो सुनाई तो स्टीरियो में दे रहा, तुमने मोनो टू स्टेरियो किया होगा शायद. अच्छा, बट आई वुड लाइक द बस टू बी स्टेरियो. एंड देन कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता. कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है. ऐसी मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आप ऐसा निकाल सकते हो. अनदर थिंग व्हाट यू कैन डू कि ये रिवर्ब, ये जो आपका जो डिले है ना, इसके ऊपर में भी यू कैन पुट इन अ बिट ऑफ रिवर्ब, तो इससे इसका टेक्सचर भी थोड़ा सा ऐसा अलग हो जाएगा. यू कैन डू दिस. अभी फिलहाल तो वैसे ये भी ऐसे भी ठीक साउंड कर रहा है, अगर आप इसको पीछे रख दोगे तो दैट विल साउंड गुड. कुछ तो है तुझसे राबता. So lately what I have discovered is this plugin from Baby Audio, Comeback Kit. ये वाला डिले बहुत ही मस्त साउंड करता है with some extras built in. And what you can do is अगर आप किसी और डॉ पे भी हो तो जाहिर सी बात है आपके पास लॉजिक का स्टेरियो डिले नहीं है, एंड मे बी यू आर कोई वैसा डॉ जिसमें इतना अच्छा स्टेरियो डिले नहीं है, तो यू कुड बी एबल टू यूज. एंड दीज आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव एज वेल, और उसके अलावा यू गेट हैवी डिस्काउंट कोड्स. देयर विल बी लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जा. ओके, तो ये ड्राई वेट नॉब है और हम बस पे ही हैं तो हमको ऐसा ड्राई सिग्नल का जरूरत नहीं है, हम पूरा वेट ही कर देते हैं इसको. सॉरी, इसको ये 100 पे ही था, ड्राई को बंद कर देते हैं. कुछ तो है तुझसे, इसी देर से डक सिग्नल आएगा तो डिले बंद हो जाएगा. कुछ तो है तो सी, तो ऐसा चीज़ के लिए आपको फिर वो कंप्रेसर लगाओ, फिर उसको साइड चेन करो एंड ऑल दोस थिंग्स, और फिर वो पता नहीं कितना काम कर रहा है, कितना कंप्रेस करूँ मैं. तो दिस बिकम्स, तो ये भी वही कर रहा होगा, बस एक नॉब के साथ हो जा रहा है. हाँ, कुछ तो है तुझसे, मेक इट वाइडर. कुछ तो है तुझसे मैजिकल, राइट. डिले मत काट देना एडिटिंग में. बोले मैं बोला टेल की बात में डिले काट के बैठ गया. कुछ तो है तुझे, अब देखते हैं व्हाट डज दिस डू रिचा. कुछ तो है तुझसे राबता. ओके, लो कट, हाई कट, अटेन, अटैक, सस्टेन, बाकी ठीक है. कुछ तो है तुझे, थोड़ा सा उसका वजह से उसका साउंड थोड़ा अलग हो जाता है, तभी वो जो आपका मेन सिग्नल है उससे थोड़ा सा अलग साउंड करता है. कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता. कुछ तो है तुझसे राबता. It's ducking out as well. कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता. कुछ तो है तुझसे राबता. कुछ तो है तुझसे राबता. पिंग पॉंग. कुछ तो है तुझसे On. कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता. कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है. बट मोस्ट यूज के सिनेरियो में शायद आप
डकर इस्तेमाल नहीं करोगे एंड देन आपको वो बम्प वाला इफेक्ट भी नहीं आएगा। कुछ तो है तो जैसे एंड ये जो हमने इसको ऐसा फर्जी माइनस करके रखा था इसको लेट्स गेट इट बैक और यहाँ से सेंड से कुछ तो है तो जैसे राबता कैसे हम जाने हमें क्या। सो YouTube में एक्चुअली में बहुत सारे वीडियोस हैं इस टाइप के टेक्निक्स के ऊपर में एंड यू सी पीपल डूइंग देम पर आपको लगता है कि हाँ यार ये तो सही हो रहा है एंड देन यू ट्राई इट आउट। और बहुत सारे एडवांस्ड और जो एडवांस तिक्रम होता है ना वो फट से दिखता है आदमी को ना तो उसको लगता है अरे यार ये सही है बिल्कुल ही ऐसा मैं करूंगा तो मेरे को रिजल्ट आएगा। बट उससे पहले जो छोटा छोटा जो बारीकी जो आप मिस कर जाते हो दैट इज वाई आपको वो एडवांस तिक्रम भी नहीं काम करता। सो इफ यू लर्न प्रॉपर वो जो बेसिक जो चीजें हैं वो एक बार आप सीख जाते हो अगर फ्रॉम एनीवेयर उसके बाद में ये जितना भी आपके लिए जो पूरा जो गूगल है वो बेसिकली वो खजाना को आप अच्छे से एक्सेस कर सकते हो। फिर कुछ तो है तो जैसे I'm gonna keep it like this। कुछ तो है तो जैसे राबता कैसे हम जाने हमें क्या पता। कुछ तो है तो जैसे The vocals are still a bit expressionless, तो plugins से आप कितना ही उठा पाओगे उसको, right? But this still sounds decent. अब और एक जो चीज है वो ये है कि जो किक और वो चल रहा है स्नेयर चल रहा है उसके बीच में फिर हमारे पास में कोई और एक्स्ट्रा वो नहीं एंड किक में तुमने रिवर्ब क्यों लगाया तो देर तक और किक में पिच करेक्शन पिच करेक्शन लग गया गजब। So, this happens, मतलब आप जब अच्छा मैं वो लगा रहा था पिच ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था कि वो किक वो मेलोडी के साथ चले। ठीक है we don't need this just need इतना ही ठीक है। कुछ तो है तुझसे ये too much of वो है delay डाल रहा है। कुछ तो है तुझसे राबता कुछ तो है तुझसे राबता कैसे हम जाने हमें क्या पता। कुछ तो है तुझसे राबता तू हम सब। अब बात यह है कि बीच में ना सेगमेंट ना खाली है आपका ठीक तो इसको आपको जो है किसी और चीज से एज इन प्रोडक्शन में ही आपको वो फिल इन करना पड़ेगा। ये तो बाकी का तामझाम रहा और ये हमारा बीच रहा। ये शेकर लूप ना बहुत टेरिबल साउंड कर रहा था मैंने तभी खचपच खचपच बहुत ज्यादा है इसमें ठीक है। सो डिस्ट्रक्टिव है बिल्कुल ही गाने के लिए। कैसे हम अगर अभी हम ट्रांजिशन का भी पता बिल्कुल सबसे पहला चीज जो हमको देखना चाहिए इससे पहले कि यू नो पूरा जो भी चीज बैकअप दे रहा है उसको बंद करते हैं लेट्स लुक एट कि हमारा बीट कैसा साउंड कर रहा है वोकल्स को कितना सपोर्ट दे पा रहा है वो। कुछ तो है तुझसे तो बहुत ही सिंपली ये थोड़ा सा कम है इसका हल्का सा बढ़ा देते हैं एंड वी नीड सम गोस्ट नोट्स दैट विल लाइक फिल इन द कुछ भी आप ऐसा चीज प्रोग्राम कर सकते हो उसके लिए और मे बी वी कैन टेक सम ऐसा ड्रम लूप्स के अंदर से कुछ एनी हो गया ना काम इसका किक हटा दो चाहे तो। सो नाउ किक स्नेयर अगर हमको ये बेसिक ग्रूव को भी नहीं खराब करना है एंड वी जस्ट वांट टू फिल इट इन सो वी कैन डू एंड देन लेट्स डिस्ट्रॉय इट वंस अगेन विद सम कुछ भी ऐसा बहुत सारे प्लगइन्स हैं जिससे आप ऐसा चीज कर सकते हो बट आई विल बी यूजिंग दिस वन। हाँ तो ये चेंज कर सकते हैं हम सो व्हाट हैपेंस कि अगर हम इसको हटा देते हैं तो हम फिर प्रोमिनेंटली इसका स्नेयर को यूज कर सकते हैं।
ये वाला प्रीसेट रखते हैं इस पे एंड लेट्स डू समथिंग लाइक मॉड्यूलेट दिस थोड़ा लेफ्ट राइट कैसा भी पैनिंग का कोई भी प्लगइन इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है अब वो जो स्नेयर है ना वो स्नेयर को हम बाहर निकालते हैं इसी से निकालते हैं. सो लेट्स पुट दिस टू अ न्यू ट्रैक. इसमें से ये जो ऑलरेडी हमने जो चीज़ें लगा रखी हैं इनको हटा देते हैं. रिमूव ऑल इफेक्ट प्लगइन्स. दिस इज टीडियस टू मेक यूट्यूब वीडियोस है. बहुत टाइम तक बैठा है लेकिन नहीं नहीं रिकॉर्डिंग अभी पूरा ही कंप्लीट करने का. इसलिए ना ये थोड़ा टायरसम हो जाता है बॉडी के लिए. नहीं तो आप ऐसा नॉर्मली क्या है कि आपने रिकॉर्डिंग नहीं चालू किया था अभी उठोगे बैठोगे फिर वो करोगे और यहाँ पे अपना पानी भी नहीं पी रहे हो कुछ भी नहीं कर रहे हो बैठे हुए साला लगे हुए हो पागलों की तरह और ऊपर से फिर चार लोग आकर के गाली देके जा रहे हैं. इसको तो डाल दूंगा. उसको क्योंकि नॉर्मली आदमी को लग रहा है कि साला ये यूट्यूब पे इसलिए वीडियो डाल रहा है कि इसको फेमस होने का बहुत कीड़ा है. उसको ये साला कितना एफर्ट लगा रहा है वो बंदा पीछे अपना बाकी सारा काम धाम छोड़ के जिससे अच्छे खासे पैसे बना रहा था वो छोड़ के भयंकर वो नॉलेज बांटने बैठा हुआ है. ओके विदाउट दिस मैं हाई हैट्स को एनहेंस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैं यूजुअली इतना ज़्यादा हाई हैट्स वैसे प्रेफर नहीं करता हूँ. बट इफ यू सी अभी पूरा ग्रूव ना भर गया. जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता कुछ तो है तुझसे राबता कैसे हम जाने हमें क्या पता कुछ तो है तुझसे राबता. I was actually liking this one as well. इसको चालू रखेंगे. कुछ तो है तुझसे राबता कुछ तो है तुझसे राबता कैसे हम जाने हमें क्या पता कुछ तो है तुझसे राबता कुछ तो है तुझसे राबता. थोड़ा लो एंड काम था इसका. ठीक है दैट्स इट. थोड़ा हल्का ऐसा कुछ तो है तुझसे रा बहुत ऑड टाइम पे लग रहा है. ठीक तो है सही है अभी बाकी चीजों के साथ सेट लगेगा. इतना सारा रिवर्ब डिले लगाया है कम बैक किट वाले. कुछ तो है तुझसे राबता कुछ तो है तुझसे राबता कैसे हम जाने हमें क्या कुछ तो है तुझसे रा कुछ तो है तुझसे राबता कुछ तो है तुझसे राबता कैसे हम जाने हमें क्या पता कुछ तो है तुझसे राबता. तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए. मरना इसी के लिए. मल्टीपल डॉस चलाने का ये भी एक नुकसान है कि क्यूबेस या बाकी बहुत सारे डॉ में कमांड डी से क्या कहते हैं फाइल डुप्लीकेट होता है इसमें ट्रैक डुप्लीकेट इसमें कमांड आर से रिपीट होता है. क्यों ना हम ये पैटर्न ऐसा ही रखें जैसा था हमारा पहले से. बस इधर इधर था ना ये किक का पैटर्न तो चेंज कर दिया तो उससे थोड़ा सा मरना इसी के लिए
मरना इसी के लिए। इसको खिसका देता है। मरना इसी के लिए, मरना इसी के लिए, ओके। सो नाउ वी हैव अ डिफरेंट पैटर्न, और अपना आलस बचाने के लिए इसको कमांड जे करके यहाँ से यहाँ वो कर देंगे, एंड सो दैट वी कैन रिपीट दिस थिंग। बात और पूछनी थी, जैसे आपने ग्रुप बनाया पूरा, ठीक है, तो जैसे आप मेलेडी का रेफरेंस नहीं लेते, फिर ऐसा नहीं होता है कि कभी कभी ग्रुप बना दिया पूरा? हाँ, पर सुना हुआ है तो थोड़ा सा याद है ना कि ऐसा वजह तो ना, तो दिमाग में चल रहा है बैकेंड में कि हाँ ये बनाए। एंड देन इसमें ये भी फ़र्क है कि मैं 15 साल से म्यूज़िक बना रहा है, है ना। तुम कितने महीने से बना रहा है? 3 महीने से? 4 महीने से। सो देयर हैज़ टू बी अ डिफरेंस ना यार। मतलब कोई बहुत ही एवरेज भी बंदा होगा ना, बहुत एवरेज, वो भी अगर 15 साल 15 घंटे काम करेगा किसी भी चीज़ के ऊपर में, तो उसका क्या स्किल लेवल होगा? देन वो उस काम में वो स्मार्ट लगेगा दिखने में, बोलेगा यार तू रंग का आदमी है यार, बोलेगा बाकी हर चीज़ में डम है भले। हाँ सॉरी, आप सबको मैं चाय नहीं पूछ पाया और अंकित चाय नहीं पीता। मरना इसी के लिए। वैसे ये वायलिन थोड़ा बीन जैसा साउंड करता है, बट स्टिल इट्स फाइन। अब अगर हम कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे तो और सॉलिड बना सकते हैं, बट अभी के लिए चल नहीं देते। क्या गया इधर टोन में ना, क्या क्या कमी है? वो कौन सा, वो आज तुम वीडियो दिखा रहा था जो कंपनी जहाँ पे वो EQ गेम्स खेलते, क्या नाम था उसका? साउंड जिम। हाँ, तो वहाँ पे काफी सारे गेम्स हैं। सो अच्छा अच्छा लगा मेरे को। बाकी खाली मैंने ऑटोमेशन कर रखा है उस वाले ट्रैक पे। वॉल्यूम का नहीं है ना, सेंड का ऑटोमेशन है ना वो? हाँ, सेंड का है और वॉल्यूम का भी है। वो देखिए वॉल्यूम येलो दिख रहा है, तो हम वॉल्यूम इसलिए ऑटोमेट नहीं करते हैं। वो मैं चाह रहा क्योंकि कुछ फिल करने के लिए था नहीं ना, तो मैंने वॉल्यूम बढ़ाया और रिवर्ब थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो हम कुछ और देखते हैं। ट्रैक ऑटोमेशन, ऑल ट्रैक ऑटोमेशन, ऑल ट्रैक। अब हम पियानो खोलने से पहले, तुम वो कह रहा था ना ट्रांजिशन डेवलप करने वाला जो बात है, एक ना लॉन्ग नोट ढूंढते हैं तुम्हारी वोकल में से। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता। इसको बाउंस करते हैं, इसको वापस लगा देते हैं जहाँ पे था ये। तो व्हाट विल डू कि इसको फ्लेक्स पे ले आते हैं, एंड व्हाट इज दिस पिच, एडिट पे चलते हैं। दिस इज क्या है, डी शार्प, डी है ना, एंड ये जो विब्राटो है इसे खत्म कर देते हैं बिल्कुल ही, जीरो। गॉट दिस नॉट। इसको तुम ऐसा भी कर सकते हो, वो जो कह रहा था ना कि फॉर्मेट से कैरेक्टर कैसा चेंज हो जाता है, ऐसा कर सकते हैं, फिलहाल नहीं करते। थोड़ा सा अब हम इसमें ना थोक के भाव पे रिवर्ब लगाएंगे, लाइक बहुत ही बड़ा सा रिवर्ब लेंगे इसमें से। कोई भी थर्ड पार्टी प्लगइन से कर सकते हो आप, मतलब आपको बस एक बड़ा रिवर्ब चाहिए। आई थिंक आइसोटोप के अंदर, और आइसोटोप नहीं सॉरी फैब फिल्टर का अपना वो भी बहुत अच्छा है,
वेव्स के अंदर भी है, और एक ये रिवर्ब है या लैक्सिकन है, लैक्सिकन्स आर रियली गुड एट स्मॉल लार्ज साउंड इफेक्ट्स बैट केव राइट, और इसको थोड़ा सा हमको इनपुट गेन थोड़ा कम देना पड़ेगा बहुत ही बड़ा सा रिवर्ब बन गया है ओ एक फ्री प्लगइन है ठीक है ये वाला मेरे को सही लग रहा है मल्टीपल जो फ्लेंजर टाइप का जा रहा है इसको रखते हैं इसको कॉपी करते हैं रिवर्ब डिले दोनों ही डिजाइन कर सकते हो आप इससे कुछ भी दूसरा देखते हैं Huge reverb. So, with all these reverbs, अगर आप किसी और डॉ में हैं तो आपको वो bounce करके stereo output से वापस लाना पड़ेगा इसमें हम simply ऐसा कर सकते हैं कि इसको बस ऐसा bounce कर लें but इसको bounce करने से पहले absolute value पे लेके आते हैं और इसको यहाँ snap कर देते हैं 22 पे and maybe यहाँ से यहाँ तक वो करके इसको bounce कर देते हैं So, we have a nice और अगर अब हम इस चीज को रिवर्स करते हैं सो वी गेट समथिंग लाइक दिस यहां तक रख लेते हैं इस पे ना एक और भी रिवर्ब लगा सकते हैं हाँ अब लगाएंगे अच्छा ये खत्म होने के बाद खत्म नहीं होना चाहिए ठीक है सो मैंने एक प्रीसेट बनाया था इसके ऊपर ही यहीं पे यहीं से आई पुट इन माय डीप स्पेस पता नहीं क्या क्या जिंग जोंग करके एक दिन सो आई विल यूज दैट गेन थोड़ा सा कम हो जा रहा है इसके हिसाब से तो हम क्लिप का गेन ही बढ़ा देते हैं यहां से क्या करते हैं कि इसको वापस बाउंस कर ले ताकि टेल पे खुद का कंट्रोल रहे हम ये डिसाइड कर सके कि कहां पे जाके खत्म हो जाए लगे शुरू यहां से होगा कुछ तो है तुझसे राबता अब इसको तुम कहीं पे भी लगा सकता है अपने उसमें ना एंड खासकर जब ऐसी टाइप की चीज जगह है ऐसा जगह है जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए जीने की वजह यही जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए सो बेसिकली टूल्स ना सबके पास ही अभी के टाइम पे वही है बट आपने कितना प्रैक्टिस कर लिया है उस टूल के ऊपर में तो वही एक ही चीज को आप कितना तरीके से यूज करके देख सकते हो इतना साल यही टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद आज पहली बार मैंने सोचा कि फॉर्मन शिफ्ट करके उसके बाद में रिवर्ब लगा क्यों करता है अच्छा से मतलब ऐसा वो नहीं है प्रैक्टिस 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 लर्न द बेसिक्स उसके बाद प्रैक्टिस अलग अलग उसमें और पर पहले बेसिक चीजें करना सीख लो देन ज़्यादातर बिगनर के साथ होता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं सीख लेते हैं पहले डॉग की सारी फंक्शनैलिटीज उसके बाद छोड़ देते हैं मतलब हमें लगता है कि अब फंक्शनैलिटीज तो आ गई अब हो जाएगा सब कुछ सो ये हो गया पहला और यहाँ पे ट्रांजिशन चाहिए था हमको मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है वो इतना डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना कसम से बिल्कुल ही क्या वो हट नहीं सकता तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ सिलेक्शन बेस्ड प्रोसेसिंग सिर्फ इस पे ही लगेगा प्लगइन हां लेट्स डीक्लिक दिस
और इसको इसके लिए भी इम्पॉसिबल हो रहा है। पीछे से लगा लेते हैं। इसी के लिए मतलब एक हद के बाद तो किसी भी प्लगइन के लिए वो इम्पॉसिबल है। लेट्स लुक एट एक्स क्लिक। कई बारी ये पुराना प्लगइन बहुत अच्छा काम कर जाता है। इसी के लिए मतलब कोई मतलब किसी भी प्लगइन को हैंडल करने के लिए तो यहाँ से वेवफॉर्म से काट नहीं सकते। बट यू नो वो खत्म हो गया ना, तो क्या कर सकते हैं। कुछ तो जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है के लिए कुछ तो है तुझसे राबता, तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता, जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ पर वो डिस्ट्रैक्ट कर ही रहा है ना। एंड कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राब। हाँ वो जा रहा है। तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। बल्कि इसको क्वार्टर नोट इधर ले आते हैं। तेरा मिल ऐसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ कचक पचक वाली आवाज़ थी। ये सब चीज़ें आपको सुननी है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। कई बारी हम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि यार EQ ठीक नहीं हुआ, कंप्रेस ठीक नहीं हुआ, पता नहीं कौन सा इफेक्ट नहीं डाला है, क्या हुआ है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि जो मैक्सिमम जो प्रो लेवल पे जो काम कर रहा है वो बंदा ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है प्रोडक्शन में, अपना मिक्स के टाइम पे, हर एक चीज़ में। उसी के पैसे उसी बात के पैसे हैं। या सो इफ़ यू गाइस वुड लाइक टू लर्न मोर एंड इंटुइटिवली, हम लोग कुछ मज़ेदार ऐसा कोर्स और वो सारी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। तो इफ़ यू वुड लाइक टू ज्वाइन द अकेडमी, आई विल लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन कॉन्टैक्ट। और अगर आप ऐसा इंटरैक्टिव वीडियोज़ और देखना चाहते हो सो
राइट यस इन द कॉमेंट्स, फिर हम लोग ऐसी और भी सारी चीज़ें बनाएंगे. डू यू हैव एनी मोर डाउट्स लाइक? अच्छा बस एक लास्ट था कि वो जो वायलिन है ना, वो वायलिन ना बहुत वो पतला सा साउंड कर रहा है, तो कुछ हाँ इसको बढ़ाया जा सकता है, थोड़ा सा रिवर्ब लगा सकते हैं इसमें. बट मोर इम्पॉर्टेंटली बजाते वक्त हमको इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए था दैट साउंड्स बट मोर ऑथेंटिक. एनीवेज बट दिस हैज़ बिन वेरी इम्प्रेसिव कि जस्ट इन 4 months ऑफ थिंकिंग अबाउट एक्चुअली टू गेट इन टू म्यूजिक प्रोडक्शन. और तुमने ऑनलाइन कितना, सिर्फ 3 ही क्लास लिया था मेरे से, 3 क्लास सिर्फ, मतलब 5 क्लासेस में से उसने सिर्फ 3 क्लासेस लिया. एंड आई वाज लाइक ओह शिट, एंड देन ही सेड चलो ऐसा करते हैं, वी थॉट ओके दिस इज अ गुड आइडिया, ब्रिंग हिम इन एंड ट्रेन हिम, कुछ थोड़ा मजा आएगा कोरोना के टाइम पे. सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी बहुत सारी मज़ेदार आगे आने वाले वीडियोस और पहले भी बहुत सारी और वीडियोस हैं उनके लिए डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन. मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में. आप मिलोगे क्या, लिख के बताओ. सो सी यू देन, नमस्कार. और अंकित की तरफ से बाय, टेक केयर.